शहीदों को याद करते हुए शहीदों के नाम से हम स्पोर्ट्स के कल्चर के इवेंट करवाने जा रहे हैं। कोविड ख़त्म हुआ है, अब मेन स्ट्रीम लाइफ जो है वो फिर से उभरने लगी है, तो यूथ जो है स्पेशली वो हमारा एरिया ऑफ कंसर्न है। और उसमें एरिया ऑफ कंसर्न में मेन जो मुद्दा है कि उनकी एनर्जी जो है वो अच्छे तरीके से चैनलाइज हो, पढ़ाई तो स्कूलों में रूटीन में होगी, उसके अलावा उनकी पर्सनैलिटी ग्रोथ के लिए स्पोर्ट्स ज़रूरी हैं। स्पोर्ट्स के इवेंट हम करवाने जा रहे हैं और उससे हेल्थ भी ठीक रहती है, जिसमें हम हाफ मैराथन करवाएंगे। वॉलीबॉल की टूर्नामेंट ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, पुलिस कमेमोरेशन डे और 17 अक्टूबर को मार्टियर कमल किशोर जो शौर्य चक्र वीरता का उनको तगमा भी मिला है पोस्टमॉर्टम, वो भी हमने याद किया है। इसके अलावा कल्चर के इवेंट भी करवाने जा रहे हैं और कल्चर के इवेंट के साथ ही ये भी जुड़ी हुई चीज़ थी कि रामलीला के बीच में हम कोविड के रहते कोई और कोविड की रिस्ट्रिक्शंस रहते हम कुछ ज़्यादा चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए, और इसी के साथ साथ रामलीला के साथ साथ जो मेरे अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट थे उनको यूज़ करते हुए अयोध्या की जो वहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज करने वाले हैं उनसे बातचीत करते हुए यहाँ बात पहुँची कि हमें J&K को भी फर्स्ट टाइम हम वहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। J&K की रामलीला को अभी वहाँ पे कभी डिस्प्ले करने का अपना टैलेंट मौका नहीं मिला है और ये फर्स्ट टाइम होगा और इट इज़ ए हिस्टोरिकल थिंग, ये माइलस्टोन होगा रामलीला की हिस्ट्री का। और स्पेशली J&K के साथ साथ रियासी डिस्ट्रिक्ट जो है वो इसको रिप्रेजेंट करने जा रही है, तो ये हमारे लिए, हम सब के लिए, आपके लिए भी ये मुबारक की बात है, खुशी की बात है। और वहाँ पे इवेंट जो है 5 तारीख का भी टेंटेटिव हमें स्लॉट है, उससे पहले भी हो सकता है लेकिन 5 का तो हमें 4 मिनट का टाइम उन्होंने दिया है। और इसमें 1 घंटे के स्लॉट में 2-3 बीच में इवेंट जो हैं वो संजीव से डिस्कस हो गए, शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं, उनमें से एक जो है जो बेस्ट परफॉर्मेंस और जिसमें वहाँ भी डिमांड जिसकी ज़्यादा होगी उनमें से एक इवेंट जो है वो वहाँ पे हम रामलीला का वहाँ पे दिखाएंगे।